नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मीठी सूखी सिमइयों की रेसिपी लेकर आए हैं। हमारी सिमइयाँ बहुत ज़्यादा खिली खिली बनेंगी और आपस में चिपकेंगी नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और कभी भी आप इन्हें मीठा खाने का मन हो तो बनाकर खा सकते हैं, तो जल्दी से बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से बना रहे हैं। मीठी सिमइयाँ बनाने के लिए हमने गैस पर एक पैन को रख दिया है। पैन में डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास, इनको हम भूनकर तैयार करेंगे। तो काजू और किशमिश हमने पैन में डाल दिए हैं, थोड़े से 8-10 बादाम हमने काट कर लिए हैं, इनको भी इसमें डाल देते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स ने कलर चेंज कर लिया है, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और वन साइड रख देंगे। पैन में एक चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें एक बाउल सिमइयाँ। सिमइयाँ जो है रोस्टेड वाली हमने यहाँ पर ली है, इनसे बढ़िया जो है मीठी सिमइयाँ बनकर तैयार होंगी और आपस में जो है चिपकेंगी नहीं। हम सिमइयों को देसी घी के साथ एक मिनट तक भूनेंगे, जब तक जो है ये देसी घी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। यहाँ पर एक बाउल दूध है, थोड़े से दूध को हम केसर में डाल देंगे, ये भी जो है घुल जाएगी। अब हम इसे सिवइयों में डाल देते हैं। एक बाउल हमने सिवइयाँ ली हैं तो एक ही बाउल हम यहाँ पर दूध ले रहे हैं। दूध के साथ सिवइयों को मिलाकर ढककर रख देंगे और जो है इसे बनने देंगे। इस तरह से थोड़ा सा चला देते हैं और इसे ढककर हम इसे बनाएंगे। हम इसे पूरे 2 मिनट तक बनने देंगे, फिर चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, सिवइयों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सिवइयों में अच्छा उबाल आ रहा है। सिवइयों को चला देते हैं, अच्छे से हम इन्हें चलाएंगे जिससे कि जो है आपस में ये चिपके ना, और जो है दोबारा से ढककर हम इसे बनने के लिए रख देंगे। सिवइयों को हमें दूध के साथ अच्छे से गलाना है, अगर ये कच्ची रह जाएंगी तो बाद में चीनी डालने के बाद ये नहीं पकेंगी, तो इसलिए हम अभी ही इन्हें पका लेंगे। तो जो है दूध सिवइयों को चलाकर हम इन्हें ढक देते हैं और 2 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो सिवइयों को ढक देते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं, हम सिवइयों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सिवइयों ने सारा दूध जो है एब्जॉर्ब कर लिया है और ये गल भी गई हैं, तो हम जो है इसमें दूध नहीं डालेंगे। अगर आपकी सिवइयाँ इस समय थोड़ी कच्ची हों तो आप इनमें दूध डाल सकते हैं। अब हम सिवइयों में चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर 4 चम्मच जो है चीनी डाल रहे हैं। चीनी को इस तरह से फैलाकर डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे ढककर बनाएंगे। चीनी जो है पैन के तले में नहीं जाएगी और इस तरह से जो है वो 1 मिनट में जो है मेल्ट हो जाएगी। तो इसको ढककर हम इसे 1 मिनट बाद चेक करेंगे। चीनी जो है थोड़ी सी घुली घुली दिखाई दे रही है। अब हम जो है सिवइयों को चला देंगे और जो है चीनी को अच्छे से इसमें मिला देंगे। अगर हम पहले चीनी को चला देते तो चीनी जो है पैन के तले में चली जाती और वो है जल सकती थी, तो इसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, इनको भी इसमें मिला देंगे, और जो हमारे पास केसर है जिसको हमने घोल कर रखा है दूध में, उसको भी इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू जो है केसर से इसमें आती है और बहुत बढ़िया जो है इसमें केसर से कलर आता है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। देखिए 1 मिनट के बाद सिवइयाँ हमारी इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनको थोड़ा चला लेते हैं। बढ़िया सिवइयाँ खिली खिली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठंडी होने पर ये थोड़ी और ज़्यादा जो है खिली खिली हो जाती हैं। 4 इलायची कुटी हुई हमने यहाँ पर ली है, इनको डाल देते हैं। इलायची हमने फ्रेश कूट कर ली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक हमारे पास ये जायफल है, इसको थोड़ा सा घिस देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जायफल का। इसमें सभी चीज़ों को आपस में मिलाते हुए सिवइयों को चलाएंगे और ढककर इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा खिली खिली बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इनको हम ढक देते हैं जिससे कि जो फ्लेवर है वो सिवइयाँ जो है एब्जॉर्ब कर। सिवइयों को ढके हुए 2 मिनट हो चुके हैं, सिवइयों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सिवइयाँ यहाँ पर बनकर तैयार हैं। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत बढ़िया इसका देखिए कलर आया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कभी भी आप इसे बना सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसी तरह की छोटी छोटी नई नई आसान रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे कि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।